नमस्कार, कुसुम की बगिया में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आप सभी को एक बड़ी प्यारी सी कहानी सुनाने जा रही हूँ, जिसका शीर्षक है साथ न छोड़ो परमपिता का। एक बार एक गाय थी, जंगल में घास चरने गई। बड़ी नरम मुलायम हरी हरी घास वो चर रही थी। चरते 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 कब शाम हो गई उसे पता ही नहीं चला, और वो चरने में मगन। शाम हो गई, अंधेरा होने लगा। अरे, गाय ने सोचा ये तो अंधेरा होने लगा। वो जैसे ही मुड़ी, उसने देखा सामने से एक शेर आ रहा था। अब तो गाय डर गई, जान बचा के भागी पूरी ताकत से। और भागते भागते गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे, गाय आगे आगे, शेर पीछे पीछे भाग रही है। भागते भागते गाय एक दलदल में गिर गई। शेर ने देखा, शेर मुस्कुराया, दलदल में गिरी हो, जाओगी कहाँ, बचोगी कैसे। शेर भी उस दलदल में कूद पड़ा। लेकिन बच्चों, गाय और शेर के बीच में एक हाथ का फासला था। अब जैसा कि मनुष्य एक अपने विचारों को बोलकर आदान प्रदान करते हैं, लेकिन जानवरों की भाषा तो मूक होती है। वो एक दूसरे के नैनों में देख करके एक दूसरे के मन की बात को समझ जाते हैं। तो शेर ने कहा, मरना तो है ही अब तुमको गाय, इससे अच्छा कम से कम मेरा भोजन बन जाती, मेरा पेट तो भर जाता। गाय ने कहा, शेर मैंने सारा जीवन दूसरों पर उपकार किया है, मैंने रूखी सूखी घास खाकर इंसान को मीठा दूध पीने को दिया है, मैंने हमेशा उनका भला चाहा है, मेरा गोबर तक इंसान के काम में आया है, मुझे बचाने तो मेरा मालिक आ ही रहा होगा, मैं दलदल में फंसी हूँ तो क्या हुआ, मैं उस परम पिता परमात्मा के भरोसे हूँ जिसने मुझे बनाया, मैं अपने उस मालिक के भरोसे हूँ जिसको मैं प्रतिदिन दूध देती हूँ। लेकिन शेर, अपने बारे में सोचो, कोई आज तक अच्छा काम नहीं किया, तुम्हें कौन बचाएगा। अब दलदल में धीरे 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 धसती जा रही, शेर भी धीरे धीरे धसता जा रहा है दलदल में। उधर घर वालों ने देखा, अरे हमारी गाय नहीं आई। सारे गांव वाले परेशान हो उठे। गांव में तो बेटा एक की समस्या सबकी समस्या हो जाती है। सब टॉर्च लालटेन लेकर ढूंढने निकल पड़े, हमारी गाय नहीं आई। और जब जंगल में पहुंचे तो उन्होंने देखा गाय तो दलदल में फंसी हुई है। तुरंत फोन किया, ट्रेन को बुलवाया, गाय को निकलवाया गया। सबने देखा वहीं एक शेर भी फंसा हुआ है। लोग पहले डर लगा, लेकिन उन्होंने कहा, अरे ये तो दलदल में, इससे डरने की क्या बात, ये तो फंसा ही हुआ है। क्रेन की मदद से भाई गाय को निकाल लिया गया, गाय तो अपने घर चली गई। इसी तरह प्यारे बच्चों, वो माता पिता हमारे जो हमारे लिए अपने सब सुखों का त्याग कर देते हैं, वो परमात्मा जिसने कि हमें बनाया, हमें इन दोनों पर अटूट विश्वास रखना चाहिए। हमें ये सोचना चाहिए कि किसी भी कीमत पर ये हमारा अहित नहीं होने देंगे, हमारा ये बुरा नहीं होने देंगे। कहते ना, जब ईश्वर अपने साथ है तो डरने की क्या बात है, सदा सफलता साथ हमारे, हाथों में जब उसके मेरा हाथ है, जब हम अपने माता पिता का हाथ पकड़ के रखते हैं, उनके शरण में रहते हैं, जब हम परमात्मा की शरण लेते हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप हमेशा अपने माता पिता का कहना माने और ईश्वर पर अटूट विश्वास रखें। मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी। आज इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी कहानी ख़त्म करती हूँ। और ये बच्चों, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आपको मेरी कहानी कैसी लगी और आपने मेरी कहानी से क्या सीखा, क्या शिक्षा आपको मिली। तो प्यारे बच्चों, आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखेंगे। आपके कमेंट का मुझे बेसब्री से इंतज़ार रहेगा। नमस्कार।